किस एज में हमें पेरेंट्स को चाहिए, अगर स्कूल से वो चीज नहीं मिल पा रही तो हम किस एज में ये डिसाइड करेंगे कि हमारे बच्चे को हमने अब ये सिखाना है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, या उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग है उसको इन्हांस करने के लिए कौन सी उम्र आपको लगता है? हर एज के तकाजे मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर जो मेरी बच्ची 4 या 5 साल की है उससे मैं और तरह के टास्क देता हूँ, जो 13 साल की है उसे मैं और टास्क देता हूँ, जो बेटा है उसे फिजिकल उसकी एक्टिविटी उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए उसे मैं और तरह के टास्क देता हूँ। फिर उनके IQ लेवल का भी फर्क होगा सारा, उसके इंटरेस्ट का भी फर्क होगा। ये तो पेरेंट्स को केस टू केस डिसाइड करना है, ये 2+2=4 नहीं हो सकता। आपको बच्चे को देखना है, उसकी एनवायरनमेंट को देखना है, आप उसे दे क्या रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम उसे कंपेयर करने लगते हैं, देखो तुम्हारे खाला का बेटे, देखो तुम्हारे मामू के बेटे। तो फिर एक बच्चे ने तांगा के कहा, फिर मुझे मामू के घर छोड़ो, मामू के बेटे अब यहाँ ले आओ। या तो आप बच्चे को पहले मामू के या खाला के बेटे वाली एनवायरनमेंट दो, वो आप देते नहीं है और डिमांड उसे वो वाली करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बच्चों को कंपेयर करना बंद करें। हर बच्चा अपनी जगह पर एक मिसाली बच्चा है। हम बच्चे को क्या, मुझसे कई लोग पूछते हैं, मुझे सिर्फ एक बच्चे ने सही जवाब दिया आज तक। मैं लोगों से पूछता हूँ क्या बनना चाहते हैं, वो कहता है जी मैं मिस्टर ए, मैं मिस्टर बी, मैं मिस्टर सी बनना चाहता हूँ। सिर्फ एक बंदे ने मुझे कहा, उसका नाम आतिफ था, उसने कहा मैं बेहतर आतिफ बनना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। तो बच्चों को हम ये क्यों नहीं बताते कि अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी जो जन्म आपके अंदर पर्सनैलिटी है उसे कॉलेज करो। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा बच्चों को वो बनने दें जो वो हैं, उन्हें निखार दो, उन्हें डुप्लीकेट ना बनाए।